गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमन योर इंग्लिश टीचर. टूडे वी विल रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन 11 फ्रॉम बैलून टू एरोप्लेन पार्ट फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट टूडेज वर्क. सिंस हाइड्रोजन इज अ वेरी लाइट गैस, मच लाइटर देन एयर, अ साइंटिस्ट थॉट ऑफ फिलिंग अप द बैलून विद हाइड्रोजन इंस्टीड ऑफ एयर. चूंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही हल्की गैस है और हवा की अपेक्षा अधिक हल्की है, तो एक साइंटिस्ट ने सोचा कि हवा के बजाय बैलून्स में हाइड्रोजन को फिल किया जाए. दिस स्लाइट चेंज मेड इट पॉसिबल टू स्टे लॉन्गर इन द एयर. ये हल्का सा बदलाव इसे हवा में लंबे समय तक रहने के काबिल बनाएगा. बट बैलून्स हैड अ मेजर ड्रॉबैक. लेकिन बैलून्स से गुब्बारों में एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी. दे वर एट द मर्सी ऑफ द विंड एंड दोज अटैच टू इट कुड नॉट स्टीयर इट एज दे विश्ड. क्या था, वे हवा की दया पर जो है डिपेंड थे और वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते थे, इसे चला नहीं सकते थे. बिसाइड्स बैलून्स समटाइम्स ब्रस्ट क्रैश्ड और कट फायर. और इसके अतिरिक्त क्या था, बैलून्स कई बार फूट जाते थे, क्रैश्ड हो जाते थे और उनमें आग लग जाती थी. बैलून जर्नीज कुड नॉट कीप पीपल सेटिस्फाइड फॉर लॉन्ग. बैलून की जो यात्राएं थी, जो ये बैलून की यात्रा थी, इसे लंबे समय तक लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे. मीनवाइल सम पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग विद अदर मेथड्स ऑफ फ्लाइंग. इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने उड़ने के अलग अलग मेथड्स को लेकर उनके साथ जो है परीक्षण कर रहे थे. वे अ जर्मन आर्मी ऑफिसर काउंट जैपलिन मेड एन एयरशिप हैविंग अ लार्ज एल्यूमिनियम बॉडी इन द शेप ऑफ सिगार एंड सेवरल कंपार्टमेंट्स फिल्ड विद हाइड्रोजन. क्या था कि एक जर्मन आर्मी ऑफिसर जिसका नाम काउंट जैपलिन था, उसने एक बहुत बड़ा एयरशिप बनाया और उसकी जो बॉडी थी किस चीज़ की थी, एल्यूमिनियम की बॉडी थी और शेप कैसी थी, सिगार की तरह. और उसमें उसने बहुत सारे कंपार्टमेंट बनाए जिसे फिल किया उसने हाइड्रोजन के साथ. इट हैड प्रोपेलर्स ड्राइवन बाय अ पेट्रोल इंजन. इसे कैसे चलाना था उन्हें, पेट्रोल इंजन के साथ. इन 1900 ही फ्लू हिज एयरशिप नेम जैपलिन ओवर अ लेक. और 1900 में वह जो है अपने एयरशिप में उड़ा जिसका नाम जैपलिन था. किसके ऊपर से, एक लेक के, एक झील के ऊपर से. 20,000 पीपल वॉच्ड. 20,000 लोगों ने उसे देखा. एंड चीयर्ड हिम एज हिज एयरशिप सॉर्ड हाई अप इन द एयर. और उन्होंने जो है हवा आकाश में ऊंचे एयरशिप को जो है उसके जाते हुए देखकर खुशी प्रकट की. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड एंड लिसन दिस वीडियो अगेन एंड वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.